हेलो व्यूअर्स, आई एम प्राची प्रियदर्शनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन द ज्ञानशाला सीरीज ऑफ माय यूट्यूब चैनल न्यूज क्रेयॉन। आज की प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। नाउ व्हाई बांग्लादेश? क्योंकि यहाँ पर हो रही है एक फोर नेशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें कि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बांग्लादेश एज वेल एज इंडिया। तो द न्यूज सेज दैट देर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, अ फोर नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज बींग कंडक्टेड इन बांग्लादेश बाय द नेम ऑफ शांतिर अग्रसेना और यू कैन से द फ्रंट रनर ऑफ द पीस। और ये क्यों मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है? द फर्स्ट रीजन इज टू कोमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बाग बंधु शेख मुजिबुर रहमान। जैसे इंडिया के फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, ऐसे ही बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है शेख मुजिबुर रहमान। तो उनके ऑनर में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड रीजन इज टू सेलिब्रेट द 50 इयर्स ऑफ कंट्रीज लिबरेशन। अब अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट विच हैज 30 पर्सनल दैट कंप्राइजेज ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ऑफिसर्स एंड जवान फ्रॉम अ बटालियन ऑफ द डोगरा रेजिमेंट वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड द अदर कंट्रीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग आर, जो दूसरे कंट्रीज की जो आर्मी है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज बांग्लादेश आर्मी, श्रीलंकन आर्मी एंड द रॉयल भूटान आर्मी। अब इसके कुछ डिटेलिंग ले लेते हैं। ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 4th to 12th, यानी इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश जो दूसरे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर भूटान एंड श्रीलंका। नाउ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स फ्रॉम US, UK, Turkey, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सिंगापुर विल ऑल्सो बी इन अटेंडेंस थ्रू आउट द एक्सरसाइज। नाउ वॉट इज दिस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स? इसका मतलब ये है कि इन नेशंस की मिलिट्री वहां पर नहीं होगी, बट ऑफकोर्स इन नेशन के डिग्नेटरीज होंगे जो कि वहां पर रहकर इस एक्सरसाइज को मॉनिटर करेंगे, इसको देखेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो थीम है, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का थीम है रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अब हम इसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस देख लेते हैं। बेसिकली इट इज द एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सो यू कैन सी हियर इंडिया, बांग्लादेश जहां पर ये शांतिर अग्रसेना एक्सरसाइज हो रही है, देन भूटान एंड श्रीलंका। अब इसका थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो करीब 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने सरेंडर किया था बिफोर द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड मुक्ति बाहिनी ऑन 16th of December 1971, जिसकी वजह से बांग्लादेश का बर्थ हुआ था। तो इसलिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट हैज कंप्लीटेड 50 इयर्स। और लास्ट वीक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने भी बांग्लादेश में विजिट किया था ऑन द 26th and 27th of March, ताकि वहाँ के जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैं वहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर सके। अब अगर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हाल ही में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपने मिलिट्री टाइज जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। नाउ व्हाई दिस? बिकॉज देर इज अ प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट विच सेज दैट फोर्सेज गोल 2030। ये एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है बांग्लादेश गवर्नमेंट का, जिसमें कि इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि 2030 तक ये जो अपनी आर्मी है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स है, बेसिकली जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ये पूरी तरह से मॉडर्नाइज और मैकेनाइज कर लेंगे। ये फोर्सेस गोल 2030 कोई रिसेंटली स्टार्टेड प्रोग्राम नहीं है, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था और इसको 2017 में रिवाइज किया गया है। अब बेसिकली अब जब ऐसा एक कोई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है तो ऑफकोर्स हमें अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो आर्म्स और एम्यूनिशंस की ज़रूरत होगी। तो करेंटली टू फुलफिल द गोल ऑफ 2030 बांग्लादेश इज लुकिंग फॉर सप्लायर अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो करेंटली बांग्लादेश की रैंकिंग है 45th आउट ऑफ 140 कंट्रीज। बट अगर इनका ये फोर्सेज गोल 2030 प्रोग्राम एकदम अच्छे से चला, इनको सारे आर्म्स एम्यूनिशन सब कुछ मिल गए, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में बांग्लादेश अपनी पोजीशन काफी ज्यादा कर लेगा। इट कैन कम अप टू इन द टॉप 15 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी बजटिंग की बात करें तो इन्होंने भी इसका अच्छा खासा बजट रखा है। कंट्री का जो डिफेंस बजट है वो तो है ही अपनी जगह, उसके एडिशन में तकरीबन पहले 5 साल के लिए अराउंड 40,000 करोड़ टका यानी $5.2 बिलियन को इसके लिए अलोकेट किया गया है।
अब समहाउ फोर्सेस गोल 2030 प्रोग्राम के लिए इंडिया जो है काफी पीछे रह गया। बीइंग द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ बांग्लादेश, हम उन्हें वो आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई नहीं कर पाए जो कि उन्हें चाहिए थे अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए, और उसकी जगह ये मार्केट को बैक कर लिया चाइना ने। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2011 में बांग्लादेश की आर्मी ने प्रोक्योर किए थे MBT 2000 टैंक्स फ्रॉम चाइना, और 2019 बिल्कुल रिसेंटली बांग्लादेश आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है चाइना के साथ फॉर प्रोक्योरिंग 44 VT-5 लाइट टैंक्स। और जो बांग्लादेश की आर्मी है उन्होंने भी एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है विद चाइना टू यू नो प्रोक्योर लाइट एम्फीबियस टैंक्स। तो एज यू कैन सी हियर, इंडिया ने जब अपने नेबर में थोड़ा सा ढिलाई दी तो उन्होंने सीधे बांग्लादेश को अप्रोच उन्होंने सॉरी बांग्लादेश ने सीधे चाइना को अप्रोच किया और उनसे काफ़ी ज़्यादा यू नो टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और काफ़ी सारा ये मिलिट्री का सामान उन्होंने लिया। तो ऑफकोर्स हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो अब इंडिया का मेन एम ये है कि हमें ये जो मार्केट है इसको बैक करना ही है, तो इसीलिए इंडिया ने अपने मिलिट्री टाइज जो है बांग्लादेश के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और इसी लाइन में इंडिया ने एक्सटेंड किया है डिफेंस क्रेडिट ऑफ अराउंड $500 का विच इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल। और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स भी ऑफर किए हैं बांग्लादेश को, लाइक आकाश, रेडार, मोर्टार, आर्टिलरी गन्स एंड एम्यूनिशंस। फिर इंडिया बांग्लादेश की जो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस। ये जो एक्सरसाइज के बारे में हम आज बात करें दैट इज़ अ स्पेशल वन, बट वैसे भी ये बाई नेशन एक्सरसाइज चलती रहती है, विच इज़ अगर हम आर्मी की बात करें तो दैट इज़ बाय द नेम ऑफ संप्रीति, और अगर हम नेवी की बात करें सो दैट इज़ बाय द नेम ऑफ बोंगो सागर। अब इसी डिफेंस एंगेजमेंट में एक स्टेप और लिया है इंडिया ने कि इट हैज़ इन्वाइटेड बांग्लादेशी कंपनीज, उसने बांग्लादेशी कंपनीज को इन्वाइट किया है कि वो हमारे यहाँ आए, और जो हमारे ऑलरेडी टू एग्जिस्टिंग डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, वन इज इन उत्तर प्रदेश एंड द अदर वन इज इन तमिलनाडु, वहाँ पर ये इन्वेस्ट करें। और उन्होंने उनको बांग्लादेश को ऑफर भी दिया है कि अगर वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों कंट्रीज मिलके, दोनों नेबर्स मिलके काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दे कैन को प्रोड्यूस, को डेवलप एंड दे कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर म्यूचुअल यूज। तो इंडिया ने अपनी तरफ से जो लॉस हुआ था जिसकी वजह से चाइना यहाँ पर एक मेजर रोल निभा रहा है, उसके लिए इंडिया ने अभी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। अब देखना यह है कि हाउ फ्रूटफुल आर दे, कैन वी एक्चुअली बैक द दिस मिलिट्री मार्केट फॉर बांग्लादेश, सो दैट नीड्स टू बी सीन। तो फिलहाल ये प्रेजेंटेशन यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक्ड इट, सो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन and stay safe. Thank you so much for watching.